हाय, मैं हूँ अनिल मिश्रा और आज मैं आपको बताऊंगा टैली को रिमोटली कैसे एक्सेस करते हैं। रिमोटली मतलब सपोज आपके ऑफिस में अपना एक सिस्टम लगा हुआ है जिस पर टैली डला है। अब आप ऑफिस से बाहर हैं, आप चाहते हैं कुछ एक्सेस करके एंट्रियाँ करना, तो आप वो चीज़ कर सकते हैं टैली में। टैली सेल्फ एक रिमोट एक्सेस फीचर देता है। टैली ERP 9 में ऑलरेडी रिमोट एक्सेस फीचर है जिसको थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम एनी वेयर इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया के किसी भी लोकेशन से उसको एक्सेस कर सकते हैं। टैली दो तरह का लाइसेंस देता है, एक सिंगल यूजर एक मल्टी यूजर। तो सिंगल यूजर में क्या देता है, सिंगल यूजर में सिंगल कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, मल्टी यूजर में मल्टीपल कंप्यूटर यूज होता है। यानी सिंगल यूजर एक ही लैपटॉप डेस्कटॉप यूज कर सकते हैं, उसको रिमोटली भी एक ही यूजर एक्सेस कर सकता है। मल्टी यूजर में एक ही लोकेशन पे मल्टीपल कंप्यूटर पे यूज किया जाता है, यानी 10 15 20 कंप्यूटर वो यूज कर सकते हैं, लेकिन रिमोट एक्सेस के लिए सिर्फ 10 10% को अलाउ होता है कि रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, यानी 10% इसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या है, आप देखेंगे एक्सेस टैली ERP 9 रिमोटली फ्रॉम एनी वेयर इन द वर्ल्ड, यानी विश्व में किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। ऑफिस का डेटा यानी ऑफिस का जो टैली का डेटा है वो एक्सेस कर सकते हैं। यानी जब भी आप कंपनी, उसमें कंडीशन यह है कि कंपनी ओपन होनी चाहिए टैली में, यानी जिस कंप्यूटर टैली डला है वो कंप्यूटर का टैली ओपन होना चाहिए, और जिस टैली को और जिस डेटा को आप एक्सेस करना चाहते हैं वो डेटा ओपन होके कनेक्टेड होनी चाहिए। तो ये स्टेप कैसे कॉन्फिगर करेंगे, यानी हम टैली ओपन कैसे करेंगे, यूजर कैसे बनाएंगे और कनेक्ट कैसे करेंगे उसको, वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे इनेबल सिक्योरिटी इन कंपनी। तो सबसे पहले हम कंपनी में सिक्योरिटी इनेबल करेंगे। आप लोग अगर जिस जिसके पास टैली है, डेटा है, अगर कंपनी क्रिएट किया है उस कंपनी में अगर सिक्योरिटी इनेबल नहीं है तो सबसे पहले वो देखेंगे सिक्योरिटी इनेबल कैसे करते हैं, क्योंकि बिना सिक्योरिटी इनेबल किए आप टैली के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये प्रायोरिटी है, आपको ये करना पड़ेगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कैसे ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टैली डेस्कटॉप में हमारे पास ओपन कर लेंगे इसको। ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, इसमें हम जिस कंपनी को एक्सेस करना है, यहाँ पर अभी आपने देखा ऑल्ट F1 प्रेस किया तो मैंने ये कंपनी इन्फो की स्क्रीन आ गई। यहाँ पर हम सेलेक्ट कंपनी पे जाएंगे, हम लेते हैं नेशनल, एक डेमो कंपनी हमने बना रखी है नेशनल, और यूजर नेम पासवर्ड। तो सबसे पहले हम सिक्योरिटी इनेबल करते हैं। बहुत सारी कंपनियों में यूजर नेम पासवर्ड नहीं होता, तो यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद उसको ऑलरेडी कंपनी क्या करता है, सिक्योरिटी इनेबल हो जाती है। तो कैसे डालेंगे उसको, सपोज इस कंपनी में यूजर ने पासवर्ड नहीं डाला है तो यहाँ पर प्रेस करेंगे Alt F3, या यहाँ पर एक बटन है कंपनी इन्फो का, कंपनी इन्फो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑल्टर ऑल्टर क्लिक करेंगे जिस कंपनी में हमें सिक्योरिटी इनेबल करना है ये, और यहाँ पर देखेंगे यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, जिसकी कंपनी में नो होगा उसको येस करना है, और यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ प्रोवाइड कर देना है। यानी यूजर नेम कुछ भी रख दो, मैंने ए रखा है, यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड कर देंगे उस कंपनी में सिक्योरिटी इनेबल हो जाएगा। इसको हम एंटर एंटर करके या कंट्रोल ए प्रेस करेंगे सेव हो जाएगा ये, सेव करेंगे स्किप करेंगे तो बाहर जाएंगे, ये गेटवे ऑफ टैली आ गया। अब सेकेंड ऑप्शन क्या है, क्रिएट यूजर नेम, यानी रिमोटली एक्सेस करने के लिए यूजर क्रिएट करना है। तो यूजर टैली में दो तरह से क्रिएट होता है, एक तो नॉर्मल यूजर जैसे अनिल पंकज विनय समथिंग कुछ ऐसे, उनका पासवर्ड जो लोकल नेटवर्क में काम करना है इस तरह का यूजर नेम, लेकिन जो लोग रिमोटली एक्सेस करेंगे उनके लिए यूजर नेम क्रिएट करने का थोड़ा सा डिफरेंट है करना। तो देख लेंगे दोनों सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंट, उसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर प्रेस करेंगे Alt F3 या कंपनी इन्फो, इस पे आ गए, यहाँ देखेंगे सिक्योरिटी कंट्रोल आ गया, यहाँ पर ऑप्शन आ गया, जैसे हम कंपनी में पासवर्ड डालेंगे सिक्योरिटी कंट्रोल आ गया, इसको एंटर करेंगे। यहाँ पर है यूजर नेम एंड पासवर्ड, इसको एंटर करेंगे। तो यूजर को मुझे देना है एक्सेस, सपोज एक सिंगल यूजर है तो जो सिंगल यूजर जिस पे रजिस्टर्ड होता है, यानी जो ईमेल आईडी यहाँ रजिस्टर्ड होता है लाइसेंस में अगर देखेंगे तो वही ईमेल आईडी यहाँ डाल देंगे। यहाँ पर हम डाल के ईमेल आईडी डालेंगे, अगर रिमोटली एक्सेस करना है तो ईमेल आईडी ही डालना है, नॉर्मल अगर यूज करना है यानी लोकल नेटवर्क में तो नेम डाल के पासवर्ड डालना है। तो ये ईमेल आईडी यहाँ डाल के यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे अलाउ ब्राउजर एक्सेस। तो अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है टैली में, ब्राउजर एक्सेस, यानी मोबाइल पे एक्सेस कर सकते हैं रिपोर्टिंग पर्पज के लिए सिर्फ, तो हमें ये करना है रिमोट एक्सेस भी। तो यहाँ देखेंगे हमें एंट्री भी करनी है, तो यहाँ पर करेंगे अलाउ रिमोट एक्सेस यस, इसको यस कर देंगे, इसको यस करके सेव कर लेंगे। अभी हम एक ही यूजर बनाते हैं, हमारा सिंगल यूजर है तो एक ही यूजर चलेगा, इसको सेव कर देते हैं, ये सेव हो गया। सेव करने के बाद सेकेंड थर्ड ऑप्शन है इनेबल रिमोट कंट्रोल इन कंट्रोल सेंटर। तो यही सेम यूजर हम कंट्रोल सेंटर में भी क्रिएट करेंगे,
देखते हैं कैसे। ये ऊपर देखेंगे कंट्रोल सेंटर है, क्लिक करेंगे, यहाँ पर ईमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे। ये डाल देंगे, ये लॉगिन हो गया हमारा, ये फर्स्ट ऑप्शन है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हमारा यूजर मैनेजमेंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे यूजर मैनेजमेंट में, यहाँ पर हम अपना यूजर कॉन्फ़िगर कर लेंगे। तो हमारा हमें ऊपर वाला ही देखना है सिंगल यूजर में, और अगर मल्टी यूजर है, मल्टी यूजर है तो यहाँ मल्टीपल यानी 10 लोग 10 ईमेल आईडी यहाँ डाल सकते हैं, यहाँ भी 10 डालना है, और यूजर नेम एंड पासवर्ड में भी 10 वही 10 ईमेल आईडी वहाँ कॉन्फ़िगर करना है। यहाँ करेंगे टैली डॉट नेट यूजर, इसको येस कर देंगे, ये कंपल्सरीली इसको येस करना ही है, नहीं तो एक्सेस नहीं होगा। इसको येस कर देंगे, एंटर करके सेव कर देंगे, ये हमारा सेव हो गया। एस्केप करेंगे और बाहर आ जाएंगे, अब एस्केप करके बाहर आ जाएंगे, ये कंट्रोल सेंटर हो गया, कनेक्ट कंपनी। अब फोर्थ ऑप्शन है कंपनी को कनेक्ट करना, यानी जिस कंपनी को मुझे एक्सेस करना है उसको कनेक्ट करना। तो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जितनी भी कंपनी आपको एक्सेस करनी है सारी कंपनियों में Alt F3 करके और सिक्योरिटी कंट्रोल में जाके, यूजर एंड पासवर्ड में जाके, यहाँ पर वो सारी कंपनियों में यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करना है मैनुअली वन बाई वन करके। अगर 10 कंपनियों हैं तो 10 में ये कॉन्फिगर करना जरूरी है, तभी एक्सेस होगा, तभी सारी कंपनी एक्सेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। कंट्रोल सेंटर में एक ही बार करना है, लेकिन हर कंपनी में अलग अलग यूजर नेम क्रिएट करना कंपलसरी है इस ऑप्शन में जाके। इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखेंगे गेटवे ऑफ टैली पे एक राइट में F4 का एक बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारी कंपनी कनेक्ट हो रही है। ये हमारी कंपनी कनेक्ट हो गया, सी लिखा गया कंपनी के सामने, कनेक्ट हो गया। अब अगर दूसरी कंपनी भी करना है, मान लो हमें एक कंपनी और करना है, तो सेलेक्ट कंपनी पे करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी, दूसरी कंपनी ले लेंगे, यहाँ पे जो भी दूसरी कंपनी होगी ले लेंगे, इसमें यूजर नेम पासवर्ड नहीं डाला है, इसको Alt F3 करके अल्टर करके हम इसमें भी एक यूजर नेम पासवर्ड डाल देते हैं। दो कंपनी मैं करके दिखाता हूँ, ये देखेंगे यूजर नेम पासवर्ड यहाँ डल गया, कंट्रोल A, सेव हो गया, और इस कंपनी को ओपन कर लेंगे, ये ओपन हो गया। इसके बाद यहाँ पर Alt F3 करेंगे, सेकंड कंपनी भी कैसे करना है, सिक्योरिटी कंट्रोल में आना है, यूजर एंड पासवर्ड, और इसमें भी वही सेम ईमेल आईडी डाल देनी, हाँ ईमेल आईडी डाल देंगे। पासवर्ड नहीं डालना है, इसको इसको यस कर देना, इन दोनों ऑप्शन को यस कर देना बस, और कुछ नहीं करना, इसको सेव कर देना। सेव करके यहाँ आ जाएंगे और कनेक्ट, यहाँ कनेक्ट का ऑप्शन, ये भी कंपनी कनेक्ट हो जाएगी, कंपनी जितनी कंपनियाँ हैं लिस्ट ऑफ कंपनी जितनी ओपन है उतनी कनेक्ट हो जाएंगी। यहाँ पर ये दोनों कंपनी कनेक्ट हो गई। अब हम फोर्थ फिफ्थ ऑप्शन है ओपन कंपनी टैली ऑन क्लाइंट कंप्यूटर, यानी अब जहां से एक्सेस करना है, सपोज आप ये दोनों कंपनी कनेक्ट होना ऑफिस में कंपलसरी है, ये कनेक्ट होगा तो ही आप रिमोटली एक्सेस कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, कंपनी ओपन टैली ओपन करना है, लॉग इन एज रिमोट यूजर को ढूंढना है, फीचर कहां पर है और उसको एक्सेस करना है। तो मान लेते हैं हमारे इसी कंप्यूटर पर दूसरी टैली ओपन कर लेते हैं, दूसरा यहाँ पर दूसरी टैली ओपन कर लिया हमने। अच्छा, दूसरी साइड लाइसेंस होना जरूरी नहीं है, यानी जब भी रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं तो क्लाइंट साइड में, यानी जहां से रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं वहां पर लाइसेंस होना जरूरी नहीं है, वहां एजुकेशनल वर्जन का टैली होगा तो ही चल जाएगा। एस्केप करेंगे तो कुछ इस तरह का फीचर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन है लॉग इन एज रिमोट यूजर, इस पर क्लिक करेंगे, वही ईमेल आईडी डाल देंगे जिस यूजर को, जो ईमेल आईडी वहां डली थी कॉन्फिगर था वही यहां डाल देंगे अनिल। एंटर करेंगे, पासवर्ड डाल के एंटर कर देंगे। एंटर करते ही देखो एक कंपनी खुल गई, दूसरी कंपनी नहीं आई, इसका मतलब मैं देखना पड़ेगा वो कंपनी क्यों नहीं आई। यूजर ने पासवर्ड डाल दिया, कंपनी कनेक्ट है, डिस्प्ले हो गई, जिसमें आपको काम करना है नेशनल मुझे काम करना है, इस पर एंटर कर देंगे, कंपनी हमारी खुल गई रिमोटली। ये थोड़ा स्लो चलेगा क्योंकि आपके इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है और डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, इंटरनेट डेटा अगर सही रहेगा तो आपका ये बढ़िया चलेगा, नहीं तो थोड़ी दिक्कत करेगा वो। तो आप इस तरह ओपन करके आप जो भी रिपोर्ट चाहिए क्रिएट करना है, जैसे आप क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो डेटा जाके उस कंपनी में सेव हो जाएगा, यानी सर्वर, यानी जो आपके ऑफिस में डेटा है उसमें जाके जो भी एंट्री करेंगे वो एंट्री जाके उस ऑफिस वाले डेटा में सेव हो जाएगा। तो आप इस तरह रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं
तो आपको आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलेंगी और लेटेस्ट टैली के बारे में पता चलेगा और टैली की एक नई नई चीज़ें, नई नई टेक्नोलॉजी हम आपको देते रहेंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले टाइम में आपको टैली की लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे टैली लर्निंग की।